तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक ओल्ड गरारा जिसे हमें कन्वर्ट करना है एक कंफर्टेबल प्लाजो पजामा में। तो इस वीडियो में मैंने ये स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फ्लेयर्स हैं और ये जो फ्लेयर्स की लेंथ है घुटने से लेकर बॉटम तक, ये हमारी प्लाजो की चौड़ाई होगी। और जो हमारे प्लाजो की लेंथ होगी वो होगा इसका घेरा। ये देखिए, ये डबल में है तो मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ कि ये कितनी कितना घेरा है। ये है हमारा 34, जो काफ़ी अच्छी लेंथ है पजामे के लिए। अगर आपका इससे कम आ रहा है घेरा तो आप उसमें लेसेस वगैरह भी ऐड करके उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, वरना आप शॉर्ट पजामे भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो लेसेस वगैरह है सब निकाल देनी है और यहाँ से फ्लेयर्स को अलग कर देना है, उधेड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा हमने गरारा उधेड़ लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ्लेयर्स हमारी इस तरह से जॉइंट थी, ये घेरा हमारा एक पैर का हो गया और ये दूसरे पैर का। अब हमें इसको घेरे को, ये देखिए, इस तरीके से रखना है घेरा हमें, और निक्कर को हम साइड रख लेते हैं और एक घेरे के ऊपर दूसरा घेरा हमें बिछा के रखना है। फ्रेंड्स, दोनों फ्लेयर्स अच्छे से बिछाने के बाद यहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ आधे इंच पे। अब फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे तक हमें लेना है आसन। आसन है हमारा 16, लेकिन हम यहाँ पे 14 लेंगे क्योंकि 2 से 1.5 इंच हम ऊपर से अलग से नेफा जॉइंट करेंगे। और यहाँ से आगे की तरफ मैं ले लेती हूँ 48 हिप है, तो हिप उसके हिसाब से मैं 48 का तीसरा हिस्सा ले रही हूँ, यानी कि 16। अब दोनों लाइंस को मैं सीधा कर लूँगी। इस पॉइंट से हम आगे की तरफ लेंगे 3.5। अब इस लाइन का हमें हाफ करना है, ठीक है, जितना भी है उस पर हाफ पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो पार्टीशन है यहाँ पे हम जो हमारे प्लाजो का बॉटम है, घेरा है, वो लेंगे। तो 7-7 मैं दोनों तरफ ले लेती हूँ, यहाँ पे भी 7 ले लिया और यहाँ पे भी 7 ले लिया। अब दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आसन की शेप करेंगे। अब कटिंग करेंगे हम आधा इंच मार्जिन छोड़ के। फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर से हमारा जो घेरा है वो जॉइंट था, तो यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। दोनों जो हमारे फ्लेयर्स थे, दोनों घेरे, दोनों ही जॉइंट थे, तो ये हमारे दो दो पार्ट्स हो गए, यानी कि 4 पार्ट हो गए। अब हम इनके आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो ये आसन है, दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करके दोनों जो पार्ट्स हैं उसके आसन को सिलाई लगाएंगे। अब इन्हें हम एक पार्ट को खोल के बिछाएंगे, उसके ऊपर दूसरा पार्ट
उल्टा रखेंगे और दोनों साइड्स भी हम पजामे के सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों साइड सिलने के बाद अब हम इसके बॉटम में अलग से पट्टी जॉइंट करेंगे, क्योंकि मोड़ने का हमारे पास कपड़ा नहीं है। तो 2.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे ली है जो मैं बॉटम से अटैच कर रही हूँ। पट्टी जोड़ने के बाद हम इसे पट्टी को उल्टी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों बॉटम हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम लगाएंगे आसन के बीच की सिलाई। तो एक बॉटम को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से एक बॉटम से लेके दूसरे बॉटम तक हमारी सिलाई लगेगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों आसन की जो सिलाई है वो एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पैर का बॉटम आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे पजामे का नेफा, यानी कि जहाँ पे हम लास्टिक डालते हैं या नाड़ा डालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मोड़ने के लिए तो कपड़ा नहीं है, तो हम अलग से इसमें पट्टी लगाएंगे जो होगी 1.5 से 2 इंच चौड़ी, जिससे कि हमारी पजामे की लेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ मैंने लिए है 5 इंच चौड़ी पट्टी। मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखिए 5 इंच चौड़ी है, क्योंकि मेरी लास्टिक जो है इसमें मैं चौड़ी डालूँगी, तो आप उसके हिसाब से आप पट्टी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पट्टी को अटैच करूंगी। इसको मैं पहले पजामे को सीधा करके रखती हूँ इस तरीके से, और ये इसकी सिलाई से सिलाई में मिला के इसको उल्टा रखूंगी और इसको हम अटैच कर लेंगे पट्टी को। पूरी पट्टी अटैच करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आप लास्टिक डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको
डेढ़ से दो इंच की जगह छोड़नी पड़ती है लास्टिक डालने के लिए। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारा पजामा जो है वो बन चुका है। आप देख ही सकते हैं कितना कंफर्टेबल और खुला पजामा बना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।